नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF Alert, आप उसको भी प्ले स्टोर से इजली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई है मैनेजर और छह अन्य पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी, तो इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है वो है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, डिप्लोमा ट्रेनी, ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी, अकाउंट्स असिस्टेंट ट्रेनी। बाकी की अन्य जानकारी के लिए आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये डिटेल नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 13 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है और आप 1 मई 2023 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लास्ट डेट है वो है 1 मई 2023। टोटल वैकेंसी 68 है और आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी का ब्रेकअप दे रखा है। उसी के साथ एज लिमिट जो है वो 18 से 35 साल। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। यहाँ पे स्केल भी गिवन है। ग्रुप ए मैनेजर ग्रेड 4 का जो पे स्केल है वो 60,000 से 1,60,000। जॉब डिस्क्रिप्शन की जानकारी गिवन है। तो इसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा किसी भी लार्ज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का। और आप देख सकते हैं सभी पोस्ट का यहाँ पे स्केल और क्वालिफिकेशन गिवन है। ग्रुप ए मैनेजर ग्रेड 4 का जो पे स्केल है वो 60,000 से 1,60,000। और इसके लिए भी कैंडिडेट के पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा किसी भी लार्ज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 साल का फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए लॉ में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। 50,000 से 1,50,000 पे स्केल है। ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के दे रखा है। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी भी जानकारी गिवन है। ग्रुप ए मैनेजर ग्रेड 4 के लिए सी और ICWA क्वालिफाइड होना चाहिए। ग्रुप ए मैनेजर ग्रेड 4 के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन गिवन है। तो आप देख सकते हैं आपको सारी जानकारी पोस्ट वाइज मिल जाएगी। ग्रुप ए ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ फायर और सेफ्टी में। पे स्केल है 40,000 से 1,40,000। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 ईयर्स का फुल टाइम MBA HR या फिर IR से होना चाहिए। और इसका पे स्केल है 30,000 से 1,30,000। और इसके लिए यहाँ पे गिवन है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप अपनी जिस भी प्रोफाइल में आप इंटरेस्टेड है, जिस भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड है उसकी जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से डिटेल जानकारी गिवन है। क्वालिफिकेशन एज लिमिट पे स्केल यहाँ पे गिवन है। एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 35 साल। और पोस्ट के हिसाब से भी यहाँ पे एज लिमिट गिवन है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है BEMLIndia.in यहाँ पे विजिट करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी भी जानकारी यहाँ पे गिवन है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डिटेल नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन जो एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, OBC कैंडिडेट्स हैं जो अबव पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, जो है 500 रुपये। SC और ST और PWD के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है जिसको आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी अप्लाई करने से पहले नोटिस को ज़रूर गो थ्रू करें, ताकि आप पे डिटेल जानकारी और आपके लिए अप्लाई करना भी इजी हो। और लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें, जैसे जल्दी हो सकता है इसके लिए अप्लाई करें। मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन है जिस पर टैप करके आप डायरेक्टली पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। फीचर हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स पर ऑनगोइंग डिस्कशन चल रही है। अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हो तो इस तरह से राइट एंड रिप्लाई के सेक्शन पर रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बायफरकेट कर रखे हैं। ये अपडेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको इवेंट ईजिली मिल जाएगा क्योंकि ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो आप ईजिली इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो में तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।